जीवावस्था अपने में यथा स्थिति या परिणाम है ऐसा। इसके बाद फिर जीवावस्था में श्रम है ना, तो जीवावस्था में श्रम से ज्ञानावस्था का प्रकटन है, जी तो जीवावस्था में श्रम से ज्ञानावस्था के रूप में गति है, और ज्ञानावस्था अपने आप में एक परिणाम है, फिर ज्ञानावस्था में श्रम है ना, तो जी ये जो श्रम है ये अमानवीयता में है, तो जी श्रम से विश्राम यानी मानवीयता, जी और इसके बाद मानवीयता में गति है तो देव मानवीयता में गति है, दिव्य मानवीयता के बाद परिणाम की निरंतरता है, जी फिर उससे अग्रिम कोई गति नहीं है, फिर इसके बाद उनमें जो श्रम गति परिणाम है यानी श्रम विश्राम के रूप में है, वो गति जो है जागृति में भागीदारी के अर्थ में व्यवस्था में भागीदारी की निरंतरता के रूप में उनमें गतिशीलता है, जागृत जीवन में या जागृत मानव में। इस रूप में है वो टॉपिक था भैया, सहअस्तित्व में प्रकटनशीलता स्वाभाविक है। हाँ जी, कुछ तो ठीक है ना, स्पष्ट हो गया। जी स्पष्ट हो गया भैया। और कोई प्रश्न? जो बोल रहे हैं अपन प्रैक्टिकली, क्या अभ्यास मतलब अपने हाथ में है, मतलब देखिए, यदि आप पूरे अभ्यास दर्शन को देखेंगे तो किताब का नाम अभ्यास दर्शन है, तो क्या मतलब अभ्यास? इसमें जो क्रम मिलेगा आपको है ना, तो सबसे पहले अनुभव को स्पष्ट किया है ना, फिर इसके बाद विचार को स्पष्ट किया है, और इसके बाद व्यवहार को स्पष्ट किया है, अभी व्यवहार पे चल रहे हैं ना, और इसके बाद व्यवस्था को यानी व्यवसाय आयाम को, आगे जाके व्यवसाय आयाम से संबंधित बोलते हैं, तो ये जो चार आयाम हैं। व्यवहार आयाम को आप बोल रहे हो स्पष्ट किया, उससे पहले अनुभव आयाम को स्पष्ट किया, ऐसा बोल रहे हैं ना आप? जी, तो इसमें हमारे लिए क्या मतलब अभ्यास हाथ में है, मतलब आई वांट टू अंडरस्टैंड कि भाई ये मानव में जो अभ्यास है वो पांचों चारों आयाम और पांचों स्थिति की एक सूत्रता को पाने का ही है, उसी के लिए सारा अभ्यास। हाँ, उसके लिए क्या अभ्यास करें, मतलब अपन क्या अभ्यास है, ये समझ में नहीं आ रही। उसके लिए अभ्यास यही है, विचारा अभ्यास करना। जब तक ये सारी चीजें स्पष्ट नहीं हो जाती हैं तब हाँ तक वैचारिक श्रम है, वैचारिक श्रम है तब तक शंका है या संदिग्धता है, और जब तक शंका और संदिग्धता है तब तक जीने में संकल्प नहीं है। अब जीने इसमें में जो यदि संकल्प है वो होगा चारों आयामों की और पांचों स्थितियों की एक सूत्रता बोल रहे हैं, पांचों पांचों स्थितियों, हाँ स्थितियां और चारों आयाम, यही अभ्यास, तो इसी का अभ्यास है। अब जो पांचों स्थितियों में है, परिवार, व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, अर्थात, तो यहाँ पे परिवार तक तो चलो ठीक है, जैसा भी है, भ्रमित परिवार भी है, मतलब वो हमारे हमारे पास अवेलेबल है, तो अब इसमें क्या मतलब मानवीयता का अभ्यास इसमें कैसे होगा? समाज अभी तक बना ही नहीं है, बाबा जी बोल रहे हैं, परिवार अभी तक हाँ बना जी, ही नहीं है ना, और व्यवस्था की जगह हम शासन में जी रहे हैं, पूरे ग्लोब के लोग जो है, इसमें क्या अभ्यास मतलब संभव है अपने लिए? पहला अभ्यास तो समाधान के लिए, यदि समाधान होता है तो लोक व्यापीकरण होता है, लोक व्यापीकरण होने से संभावनाओं का उदय होता है,
नहीं तो कैसे होगा? ये तो एक भाषा होगी ना भाई, समाधान पहले होना चाहिए। तो समाधान होगा ऐसे ही तो तो होता ही है भाई, सब चीजें, तो जब समाधान हो जाएगा तो क्या न्याय नहीं होगा? हैं? जब समाधान हो जाएगा, मान लो जिसको अपन समाधान कह रहे हैं, नहीं विचार में समाधान, हाँ विचार में समाधान विचार होगा, में व्यवहार में न्याय फिर व्यवहार में समाधान नहीं, क्या ऐसा संभव हो सकता ऑटोमेटिक है? पहले विचार में, विचार में अगर समाधान है और व्यवहार में न्याय नहीं है, ऐसा संभव नहीं है। हाँ तो वही तो कह रहा हूँ, पहले विचार से ही तो शुरू होगा ना। पर तो विचार में जैसे आप हम जो है, जैसे आप अभी हमको भ्रमित परिवार में ये पता ही नहीं रहता है ना, हम क्यों जी रहे हैं, कैसे जीना है। जो दर्शन के संपर्क में जो लोग आ चुके हैं, जैसे 25-30 साल आपको हो गए, 5-6 साल हमारे को भी हो गए इसमें, तो क्या हमारे को अभी तक समझ में नहीं आया मतलब समाधान, मतलब क्या हम समाधानित नहीं हुए अभी तक, क्या माना जाए इसमें? पता नहीं है, वो तो आप अपना कर सकते हैं। अपने को भी कोई, मुझे तो लगता है कि अभी मुझ में थोड़ी समाधान में भी थोड़ी कमी है, मुझे ऐसा लगता। अच्छा, ये सालों से संबंध नहीं है, 20 साल 25-40 हो जाए उससे कोई संबंध नहीं है, समझ में आने से संबंध। जैसे अपन गणित पढ़ाते हैं ना, तो कोई कहे मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ तो मुझे तो गणित क्यों नहीं आ रही आगे की गणित, तो वैसे ही है। तो जहां तक हमने प्रयास किया रहता है वहां तक हमको समझ में आता है। तो ये अभ्यास दर्शन कह रहा है कि चारों आयाम पांचों स्थिति की एक सूत्रता के लिए ही मानव जाति त्रसित है, और ये जो चारों आयाम की एक सूत्रता जो है, कर्म दर्शन में भी कहा है, मानव व्यवहार दर्शन में भी कहा है, सभी दर्शनों में कहा है, तो अभ्यास दर्शन में अलग क्या बात हो रही है? मीन्स आई वांट टू अंडरस्टैंड कि कर्म दर्शन इस तरीके से, कर्म दर्शन में नहीं समझिए, व्यवहार दर्शन में जी नहीं, व्यवहार जो व्यवहार दर्शन है उसमें चारों आयाम की एक सूत्रता की व्याख्या नहीं है, यहाँ पे व्याख्या है। व्याख्या जैसे अनुभव दर्शन में, अनुभव दर्शन में व्यवहार की व्याख्या नहीं, अनुभव दर्शन में व्यवहार शब्द आया है, व्यवहार से कुछ चीज को इंगित भी किया है, लेकिन व्यवहार क्या है उसको व्यवहार दर्शन में व्याख्या किया। अब ये जो व्यवहार है ये कैसे व्यक्ति परिवार समाज राष्ट्र अंतरराष्ट्र में समझा जाएगा, ये तो इसी में आया है, ये व्यवहार दर्शन में नहीं आया। व्यवहार दर्शन में थोड़ा सा संकेत किया है बस, तो हमको जहां पहुंचना है कम से कम वो पता तो रहना चाहिए हमको पहुंचना क्या, हमसे मतलब है मानव जाति को। मैं व्यक्ति की बात नहीं कर रहा, मानव जाति को कहां पहुंचना है, और फिर इसके बाद हमको अपने में देखना है कि क्या ये पॉसिबल है या नहीं, संभावना है या नहीं। यदि पॉसिबल नहीं है, हम इस निष्कर्ष पे आते पॉसिबल नहीं है, तब हम इसको ड्रॉप कर सकते भाई, लेकिन प्यास तो तब भी बनी रहेगी ड्रॉप करने के बावजूद भी, क्योंकि समझने का प्यास तो रहता ही है आदमी, वो खत्म नहीं होता है। जैसे मान लीजिए जब मध्य दर्शन में नहीं आए थे तब भी प्यास तो बनी हुई थी, हाँ कहीं न कहीं और पंगे लेते रहते थे, हाँ वो प्यास जो है तृप्त हो जाए, इसीलिए तो यहाँ आए। जो अपूर्णता है, अपूर्णता तो बनी हुई थी ना, या जिसको कहें तृष्णा बनी हुई थी, तृष्णा सत्य को समझने का तृष्णा जो है वो बना हुआ। मेरा पाठक जी इतना ही मतलब था भी, जैसे अपन ने सारा वांग में पढ़ा है, तो अभ्यास दर्शन में ऐसी क्या चीज अलग से बात की जा रही है जो बाकी बुक्स के अंदर नहीं है? क्योंकि मैं तो जब भी कोई भी एक भी पैराग्राफ पढ़ता हूँ बाबा जी का, तो उसमें व्यापकता का जिक्र होता है, उसमें चारों अवस्थाओं का जिक्र होता है, उसमें संस्कृति सभ्यता विधि व्यवस्था, मतलब कोई भी एक पेज पढ़े अपन, उसमें अपन ये कहें कि कुछ छूट गया है,
जैसे मूल्यों की बात हो रही है, ऐसा कोई पेज किसी रेंडमली कहीं से भी उठा लो चाहे आप, है ना। तो आई फील इट लाइक दिस कि इसको आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। जैसे मतलब बहुत सारी बुक्स ऐसी होती है ना जिसमें आपने चैप्टर नंबर 1, 2, 3 नहीं पढ़ा था, 4 नहीं पढ़ सकते। जैसे अपन अध्ययन ही कर रहे थे उस टाइम पे, तो अपनी ये ऑब्जर्वेशन थी। नहीं, वो तो प्रश्न आप रिपीट कर रहे हैं, जो आपका जो प्रश्न था। हाँ जी, वो तो आपने पहले ही जो पहली बार में यही बात तो बोली थी, अभी इसको रिपीट ही कर रहे हैं। तो नई बात, मैं इसको रिपीट ही कर रहा हूँ। हाँ, रिपीट कर रहा हूँ। तो मुझे तो उसका स्पष्ट था, आपका प्रश्न स्पष्ट है। मैं ये कह रहा हूँ कि यदि हम इसका क्रम देखें तो बाबा जी को अनुभव हुआ, उन्होंने अनुभव दर्शन लिखा। अनुभव दर्शन में उन्होंने व्यवहार की बात की है ना, और व्यवसाय की भी बात की है, विचार की भी, समाधान की भी बात की है, और व्यवस्था की भी बात की है। सभी बातें अनुभव दर्शन में हुई है, छोटी सी किताब में 9 अध्याय में। लेकिन व्यवहार पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हुआ, और अनुभव दर्शन को पढ़ने के बाद जो परंपरा से संबंधित जो प्रश्न थे, जब तक वो तृप्त नहीं होते ना, तो तब तक जो है प्रश्न बने नहीं रहते हैं। मतलब हम ऐसा थोड़ी है कि व्यवहार दर्शन को पढ़ने के बाद उसको आत्मसात कर ले। हम सब लोगों के अंदर स्मृतियों में ढेर सारी चीजें हैं और परंपरा से आ रही है, कुछ संस्कार के रूप में है और कुछ स्मृति के रूप में है, और कुछ वातावरण में भी है, जो हम जिस समाज में रहते हैं, जिस व्यवस्था में रहते हैं, जिस परिवेश में रहते हैं, उसमें भी कुछ ना कुछ विचार चलता रहता है, उसमें बहुत सारे प्रश्न बने ही रहते हैं। तो वो जो व्यवहार संबंधी प्रश्न है, वो बाबा जी ने जिसको अपन व्यवहार दर्शन कह रहे हैं उसको स्पष्ट किया। ये वो सारे प्रश्न हैं जो भगवद गीता में आए हैं, है ना, जैसे कर्म क्या है और कर्म का फल क्या है, पुनर्जन्म क्या है, है ना, आत्मा का अमरत्व क्या है और शरीर का नश्वरत्व क्या है, है ना, व्यवहार के नियम क्या है, आदि आदि। तो भगवद गीता को पढ़ते हुए हजारों साल हो गया लोगों को, लेकिन वो स्पष्ट नहीं हुए, तृप्ति नहीं मिल रही है उसमें। प्रश्न बने हुए हैं मानव परंपरा में, को उन्होंने व्यवहार दर्शन के माध्यम से स्पष्ट किया। इसको आप देखेंगे व्यवहार दर्शन के जितने भी अध्याय हैं ना, उन अध्यायों को यदि आप अवलोकन करेंगे तो सब वही मुद्दे हैं जो परंपरा में चले आ रहे थे। उसमें थोड़े से कुछ वो मुद्दे भी आ गए हैं जो भौतिक बात के आने के बाद आए, उसको भी उन्होंने इसमें शामिल कर दिया। उसका क्या एग्जांपल है भौतिकवाद के, वो कौन से चैप्टर्स हैं? हाँ, मतलब जो भौतिकवाद के कारण से जो प्रभाव पड़ा ना भारतीय समाज पे, विचार पे, व्यवहार पे, जिसको वो सब चीजों को भी उन्होंने विश्लेषित किया ना, जैसे व्यवस्था संबंधी कुछ संकेत भी दिए हैं व्यवहार दर्शन के कुछ अध्याय है ना, उसमें जो है ना व्यवस्था संबंधी भी बात आई। जैसे यदि हम लोग इसको क्रम से देखें तो जैसे पहले उन्होंने सह अस्तित्व को स्पष्ट किया है ना, तो सह अस्तित्व में मूल रूप से जो परमात्मा के बारे में अवधारणा है ना, उस अवधारणा को स्पष्ट किया। फिर इसके बाद उन्होंने सृष्टि दर्शन की बात की, फिर मानव के रूप में प्रयोजन क्या है उसकी बात की, फिर निर्भ्रांतता ही विश्राम है, फिर कर्म और फल की बात की। अब ये जो कर्म और फल का जो अध्याय है ना, वो छोटा सा अध्याय है ना, 4-5 पेज का, 4 पेज होंगे मुश्किल से, है ना, लेकिन उसमें बहुत सारे जो प्रश्न थे, कितने प्रकार की उपासनाएं होती थी हमारी परंपरा में, और कर्म के फलों का विश्लेषण था, फिर इसके बाद मरने के बाद क्या होता है, वो सारे प्रश्न थे, है ना, भूत प्रेत क्या होते हैं, है ना, देव आत्माएं क्या हैं, फिर ये आत्माएं
इनकी जो भ्रमण करने की क्षमता क्या, तो ये सब उन्होंने कर्म दर्शन में इसको खोला। फिर इसके बाद उपासना का क्या मतलब है, और यदि मध्यस्थ दर्शन के अनुसार उपासना क्या होगी, ये व्यवहार दर्शन में नहीं आया है। लेकिन कर्म और फल जो है उन्होंने यहाँ पर एक चैप्टर देखे है ना, उसमें कुछ चीजों को इंगित किया है, दर्शाया है जो व्यवहार से जुड़ी हुई है। और कर्म की भी बात की है, मतलब जो गीता में भी कर्म की बात है ना, गीता में व्यवहार की बात है। फिर पद और पदातीत शब्द जो है ये गीता में आया है, दर्शन दृश्य दृष्टि भी गीता में आया है ना, उसको डिफाइन किया है। फिर क्लेश क्या चीज है, क्लेश से मुक्ति कैसे होगी, ये भी जो है इसमें व्यवहार दर्शन में आया है। फिर योग, तो योग को डिफाइन किया, लेकिन योग को वैसा डिफाइन नहीं किया जैसा अभ्यास दर्शन में किया है ना, लेकिन योग क्या चीज है। फिर ये लक्षण लोक आलोक आदि को स्पष्ट किया। फिर मानवीयता के रूप में मानव मानवीयता, देव मानवीयता, दिव्य मानवीयता, ये सब को किया। फिर मानव व्यवहार से नियम को किया। इसी में उन्होंने जीवन क्रियाओं को भी बता दिया कि जीवन में क्या क्या क्रिया होती है, कैसे कैसे होता है, वो सब को स्पष्ट किया। फिर बाद में 16वें अध्याय में आके थोड़ा सा धर्म नीति और राजनीति के बात की है। अभ्यास दर्शन में इसमें काफी विस्तार से बात हुई है धर्म नीति और राजनीति। कहाँ हुई है अभ्यास दर्शन में धर्म नीति के ऊपर, तो मतलब बड़े ही मतलब वैसे ही रेफरल ही है, जैसे धर्म नीति में अपन बोलते हैं तन मन धन का सदुपयोग है ना। हाँ जी, हाँ जी। तो इसमें कहाँ, अभी अपन ने 20 चैप्टर पढ़ लिए, तन का सदुपयोग क्या है ये कहीं नहीं बताया गया, अभी मन का सदुपयोग क्या है। ये जो अध्याय 39 है ना, इसमें पूरा आया है मानव का संपूर्ण कार्यक्रम धार्मिक आर्थिक राजनीति में से के लिए है। 39 में आएगा मतलब आएगा, हाँ। और भी बहुत सारे जगह पे बीच बीच में तो आ ही रहा है नीति तरह क्या है। नहीं, जैसे अपन ने मानव व्यवहार के बाद कर्म दर्शन भी किया, इसमें तन मन धन का सदुपयोग, हाँ बस वहां पे छोड़ दिया ना, तन मन धन का सदुपयोग है ना, वो एक अर्थ को इंगित करता है। लेकिन ये जो तन मन धन का सदुपयोग कैसे होगा मानव परंपरा में, ऐसा पानी व्यवस्था में कैसा, उसको डिफाइन नहीं किया वहां पे। वहां केवल नैतिकता के रूप में उन्होंने डिफाइन कर दिया तन मन धन का, लेकिन वो व्यवस्था के दृष्टिकोण से कैसे सर्वसुलभ होगा, कैसे उसकी मानसिकता बनेगी, ये सब इसमें अभ्यास दर्शन में आ रहा है। फिर रहस्य मुक्ति एक चैप्टर है। फिर 18वां सुख शांति संतोष आनंद है ना, उसको डिफाइन किया। तो इस तरीके से मानव व्यवहार दर्शन में ये सारे मुद्दे कवर किए, जिसको अपन कह रहे हैं कर्म दर्शन में तीन बातें हैं मूल रूप से। एक तो कर्म क्या है, कर्म का फल क्या है, कर्म मरने के बाद क्या होता है, क्योंकि हम लोग जो है ना शरीर यात्रा में है अभी जीवन के रूप में, यदि हम अपने को स्वीकार करते हैं तो हम शरीर यात्रा में, शरीर जो है वो एक काल की सीमा में है ना, इसके बाद हमारा क्या होगा। अभी सब लोग तो पुनर्जन्म नहीं ले सकते ना, वो तो मानव परंपरा में जितने शरीर निर्माण होंगे उसी के अनुसार ही मानव का जन्म होगा उस हिसाब से। अभी तो आबादी बढ़ रही, तो ऐसा लगता है कि संभावना ज्यादा है कि हमको शरीर मिल सकता है। फिर ये है कि जो अमानव है उसका उसका जीवन और उसकी भ्रमण क्षमता क्या होगी। फिर जो मानव है, देव मानव है, दिव्य मानव है, उसका जीवन जीवन का क्रियाकलाप शरीर विहीन क्या होगा, वो सब उन्होंने कर्म दर्शन में किया। फिर उपासना को लेके इसमें व्यवहार दर्शन में कोई बात नहीं आई, अभ्यास दर्शन में भी नहीं आई। हालांकि उपासना में कोई खास बात नहीं बोली उन्होंने, बोला तो यही है कि उपासना यानी अध्ययन और अभ्यास ही उपासना है ना, यही बात बोली है। मतलब अगर आप उपासना के पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे उसका निष्कर्ष इतना ही है कि अध्ययन और अभ्यास करना है ना। लेकिन जो उपासना में परंपरा में बहुत सारी उपासनाओं का जिक्र था, उन उपासनाओं से क्या होता है, क्यों उसमें सफल नहीं हुई, उनकी निरर्थकता क्यों रही, ये सब उन्होंने कर्म उपासना वाले थे। फिर इसके बाद सहअस्तित्ववादी विज्ञान है,
तो सहअस्तित्ववादी विज्ञान का मतलब है कि जो अखंड समाज है, तो अखंड समाज जब व्यवस्था के अर्थ में जीता है तब उसमें जो विज्ञान नियोजित होता है उसकी बात उन्होंने सहअस्तित्ववादी विज्ञान में स्पष्ट करी, जो इसमें नहीं आई है। इसमें केवल ज्ञान विवेक विज्ञान कह के छोड़ दिया है ना। तो जो हम व्यवहार दर्शन को पढ़ते हैं तो हम विज्ञान का अपना एक परसेप्शन लेके चलते हैं ना, जो हमको पता से मिला हुआ रहता है। लेकिन बाद में सहअस्तित्ववादी विज्ञान को पढ़ने के बाद पता लगता है कि वो परसेप्शन और जो सहअस्तित्व के दृष्टिकोण से जो विज्ञान की जो व्याख्या है वो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। क्योंकि बाबा जी ने विज्ञान सहअस्तित्ववादी विज्ञान में जितने मुद्दों को लिया है उसमें सहअस्तित्व सहज जो व्याख्याएं हैं वो प्रस्तुत की है उन्होंने, है ना, जो इसमें नहीं है। अभ्यास दर्शन में भी नहीं है और आपका व्यवहार दर्शन में भी नहीं है और अनुभव दर्शन में, इसलिए इसको कर्म दर्शन में रखा। अभ्यास दर्शन का मतलब क्या है? तो उन्होंने यही कहा कि अभ्योदय के अर्थ में ही अभ्यास दर्शन है। तो अभ्यास दर्शन का एक हिस्सा है जिसको अपन अध्ययन कह रहे हैं, और अध्ययन का पर्पस क्या है? तो सर्वतोमुखी समाधान है ना, सर्वतोमुखी समाधान को ही अभ्योदय कह रहे हैं। और अभ्योदय जो है वो व्यक्ति परिवार समाज राष्ट्र अंतरराष्ट्र में, ये अभ्युदय और सर्वतोमुखी समाधान और दस सोपानीय परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था, ये सिनोनिम नहीं है क्या? पर्यायवाची शब्द है तीनों के, अलग अलग है कुछ? नहीं, ये कॉन्सेप्चुअली तो एक ही चीज, लेकिन जब सर्वतोमुखी समाधान कह रहे हैं तो केवल सर्वतोमुखी समाधान की बात है, व्यवस्था नहीं है उसमें ना। लेकिन समाधान के बिना व्यवहार नहीं है और समाधान और व्यवहार के बिना व्यवस्था नहीं है, व्यवसाय नहीं है, व्यवस्था नहीं है, ऐसा, और व्यवस्था के बिना समाधान नहीं है। अब इसके बाद आता है कि जो व्यक्ति परिवार समाज राष्ट्र अंतरराष्ट्र में क्या कार्यक्रम है, तो इस कार्यक्रम को अभ्यास दर्शन में स्पष्ट किया, व्यक्ति का क्या है, परिवार का क्या है, समाज का क्या है। जैसे हम लोगों ने पिछले ही चैप्टर पढ़ा था ना, पिछले एक दो चैप्टर पहले, कि अपराध जो है वो कैसे होते हैं, है ना, व्यक्ति की हैसियत में क्या होता है, परिवार की हैसियत में, समाज की हैसियत में, राष्ट्र और अंतर्राष्ट्र में अपराध कैसे होते हैं और उनका निराकरण कैसे होता है, उनके निराकरण की बात की। तो ये जो है ना क्रमशः हर स्तर पे, तो मोटा मोटी उन्होंने दो ही बात करी ना, शिक्षा और व्यवस्था पूर्वक इसका निराकरण है बस। हाँ, शिक्षा व्यवस्था कोई छोटी सी चीज है, इतना ही बोला है ना, पूरी मानव जाति में दो ही चीजें ही है, शिक्षा और व्यवस्था। अभी भी वर्तमान में मानव जाति में जितना भी है जो भी क्रियाकलाप है वो शिक्षा और व्यवस्था ही तो है, और क्या क्रियाकलाप, वो तो है। इसलिए व्यवस्था का संबंध जो है अर्थ है भाई, वही शिक्षा इतनी इम्पोर्टेंट इसकी है क्योंकि आदमी शिक्षा अनुषंगी है, हैं? आदमी जो है, मानव जो है वो शिक्षा अनुषंगी है, इसलिए शिक्षा का महत्व जो है बहुत ज्यादा आदमी के लिए है। नहीं, संस्कार जिसको बोल रहे शिक्षा अनुषंगी है, दोनों बातें। मानव व्यवस्था में जीना चाहता है तो जिस भी व्यवस्था को अपनाता है उसकी मानसिकता तैयार करने का काम शिक्षा को करना पड़ता है, इसलिए शिक्षा का मान विचार, मतलब विचार जो है वो शिक्षा से बनता है, कहीं मतलब मानसिकता बनती है उससे, विचार ही बोले, विचार ही मानसिकता है। और मानसिकता होती है तभी आचरण होता है, और आचरण होता है तो व्यवस्था होती है, नहीं तो व्यवस्था नहीं। अभी क्या है हमारी शिक्षा में, शिक्षा अभी देख रहे हो ना, अभी जो भारत में जो जितने भी संकट क्या है, संकट क्या है कि शिक्षा एक मानसिकता नहीं बनाती, शिक्षा कई प्रकार की मानसिकता बना देती है। जो JNU में पढ़ता है उसकी मानसिकता अलग होती है, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ता है उसकी अलग, जो जामिया में पढ़ता है उसकी अलग होती है ना। और फिर कोई ये अपना बाबा साहेब अम्बेडकर जो है सोशल साइंस इंस्टीट्यूट में पढ़ लेता है उसकी एक अलग मानसिकता बन जाती है। तो ये कई मानसिकताओं को बना दे शिक्षा। अब ये जो मानसिकता के लोगों का आचरण भी अलग अलग हो जाता है सबका, है ना। तो जो अलग अलग मानसिकताएं जो है मीडिया में और शिक्षा में अभिव्यक्त होने से उन मानसिकताओं का क्लैश दिखता है। अभी जैसे आप TV चैनल पे जो भी सुनते हैं ना, उनमें मानसिकताओं का क्लैश दिखता है,
जो कम्युनिस्ट लोग हैं उनको सभी दक्षिणपंथी खराब दिखते हैं, दक्षिणपंथी लोगों को सभी कम्युनिस्ट खराब दिखते हैं ना, और इन कम्युनिस्टों को कांग्रेसी खराब लगते हैं, कांग्रेसियों को एक सीमा तक कम्युनिस्ट अच्छे लगते हैं उसके बाद खराब लगते हैं, और इन दलितों को ये सब लोग खराब लगते हैं, कम्युनिस्ट भी खराब लगते हैं और ये भी। फिर सोशलिस्ट लोग हैं, सोशलिस्ट लोगों को लगता है कि ये सब जो है ना, तो सोशलिस्ट लोगों का अलग अपना एक माइंड सेट होता है, तो उसके कारण से जिसको हम लोग राष्ट्रीय चरित्र कह रहे हैं या राष्ट्रीय आचरण कह रहे हैं वो बन ही नहीं पाए, और इसलिए व्यवहार का भी जो है ना घालमेल है। और ऑलमोस्ट ये पूरी दुनिया में ही है, मतलब ये जो समस्या है पूरी दुनिया में, कुछ देशों में थोड़ा कम है, जैसे कम्युनिस्ट कंट्रीज में मानसिकताएं जो है सेट रहती, क्योंकि वहां शिक्षा में दूसरी चीजों को घुसने ही नहीं देते हैं ना। हम लोग लिबरलिज्म के नाम पे, या अमेरिका जो है लिबरलिज्म के नाम पे सबको एंट्री करा देता है, तो उसके कारण से अमेरिका में भी यही संकट है। अमेरिका में कितने प्रकार की आइडियोलॉजीज हैं, इंडिया में जैसे मान लीजिए 100 है तो अमेरिका में कम से कम 1000 प्रकार के आइडियोलॉजिकल स्कूल है, मतलब दुनिया भर में जितना भी विचार हो सकता है वो सबके आइडियोलॉजिकल स्कूल जो है वो अमेरिका में, इसलिए अमेरिका में सर्वाधिक मानसिकता का संकट है, और इसीलिए वहां की जो राजनीति है वो मानसिकता से नहीं चलती है। जैसे हिंदुस्तान की भी राजनीति मानसिकता से नहीं चल पा रही, वो कल्चर से चल रही है, जैसे कभी हिंदूवादी ताकतें हावी हो जाती है, कभी हिंदूवादी ताकतों के सहायता से कुछ दूसरी लोगों को जोड़ जाड़ के जो है सत्ता में लोग आ जाते हैं, ऐसा है जिसको हम लोग जाति गणित बोलते हैं ना। सोशलिस्टों ने ये सब बहुत प्रयोग किए है, यादव मुसलमान और दलित ऐसा कुछ जोड़ होना है ना। आप तो हरियाणा में रहते हो, राजनीति को जानते हो, तो वहां भी ये सब जाति की राजनीति में कैसे जोड़ तोड़ करना है, तो वहां मानसिकता काम नहीं कर रही है, वहां जातीयता काम कर रही है ना। और इन सब में आचरण का भेद तो रहते ही है, क्योंकि मानसिकता एक नहीं है, और इन मानसिकताओं का विश्लेषण करने जाते हैं तो ये पता लगता है कि इन सब मानसिकता के पीछे ट्रेडिशनल लॉ है, परंपरागत जो जिसको आचार संहिताएं कह रहे हैं वो आचार संहिता है ना, कोड ऑफ कंडक्ट, और उन कोड ऑफ कंडक्ट में कुछ सुधारात्मक कार्यक्रम भी चले हैं, जैसे आर समाज आ गया बीच में, आर समाज ने कुछ अपना सुधार का कार्यक्रम बता दिया है, तो वो भी कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर भी काफी कॉन्फ्लिक्ट है। जैसे मान लीजिए मुस्लिम कोड है और अब लोग जो है आधुनिक शिक्षा को पढ़ लिया, तो मुस्लिम कोड और आधुनिक शिक्षा दोनों की आचार संहिताओं को लेके मतभेद हो जाता है, तो उसमें कुछ मुसलमान लिबरल हो जाते हैं, कुछ कट्टर रहते हैं, फिर उनमें कट्टर और लिबरल में झगड़े चलते रहते हैं, तो पूरी दुनिया में दिख रहे हैं। तो ये स्टेटस को है जो अभ्यास दर्शन में काफी मतलब विस्तार से तो नहीं कहेंगे, लेकिन बहुत सारे बिंदुओं को छुआ है। जैसे उन्होंने कहा कितने प्रकार की राज्य व्यवस्थाएं रही है, यदि इन राज्य व्यवस्थाओं की हायरार्की देखें, वो उनमें कैसे संकीर्णता है, कैसे उनका विकास क्रम हुआ है, और फिर ये जो आचार संहिताएं हैं क्यों सफल नहीं हो पा रही, ये सारी चीजें इसमें डिस्कस आएंगे अभ्यास दर्शन में, क्योंकि अल्टीमेटली हमको पहुंचना कहाँ है, तो एक मानसिकता में पहुंचना है जिसको हम लोग कह रहे हैं मानवीयता है ना, और दूसरा एक आचार संहिता में कह रहे हैं जिसको अपन मानवीय आचरण कह रहे हैं, उस मानवीय आचरण में पहुंचना है, और ये तभी संभव है जब तक हम इनकी सार्वभौमिकता को नहीं पहचानते। यदि सार्वभौमिकता को, जैसे हमको व्यवस्था क्यों चाहिए अभी इसका उत्तर ही नहीं, लोगों को लगता है व्यवस्था का मतलब पैसे कमाना है ना, अपनी जाति के लोगों को कुछ लाभ पहुंचाना, अपना वोट बैंक बना के रखना, अपना प्रभाव बना के रखना है ना, हम ज्यादा लूट सकें इसका एक सिस्टम डेवलप करना, वह लूट शब्द नहीं आएगा, लेकिन अपनी जाति को समृद्ध करना, अपने वर्ग को समृद्ध करना, अपने परिवार को है ना, ये
किस तरीके से, लेकिन जब उसका विश्लेषण करेंगे तो लूट ही है वो, एक तरीके रिसोर्सेस का लूट है। और फिर इस सब से क्या हासिल करना चाहते हैं, क्या जो ये सब करके जो भी हमने जो पैसा सुविधा संग्रह कर लिया, तो क्या इससे जो हमारी आकांक्षा थी वो पूरी तृप्त हो गई? तो उत्तर आता है नहीं हुई तृप्त, बल्कि और नुकसान हो गया। मतलब जो ट्रेडिशनल लॉ ने थोड़ा बहुत कंट्रोल किया था, सुविधा संग्रह ने उसका कंट्रोल गड़बड़ कर दिया। जैसे मान लो आप ही देखो, आपके हरियाणा में जो देवी लाल थे, उनके बाद उनका लड़का हुआ और उसके बाद उनका लड़का हुआ, तीन लोग हुए। तो देवी लाल में कंपेरेटिवली स्टेबिलिटी दिखेगी, है ना, उनसे ज्यादा अनस्टेबल व्यक्ति जो है उनका बेटा है, और उनसे ज्यादा अनस्टेबल उनका जो थर्ड जनरेशन। हाँ हाँ, ये तो देख ही रहे हैं, ये तो आप देख ही सकते हैं ना, ये सभी में है। मतलब केवल अपन उदाहरण के लिए देवी लाल का उदाहरण, घर का उदाहरण दे लें तो ठीक रहता था, आचरण का एक स्टेबिलिटी थी। अब वो क्या हुआ, आधुनिक शिक्षा ने उनमें एक नई मानसिकता बना दी, और दूसरा सुविधा संग्रह की होड़ लग गई। हाँ, वो प्रवृत्ति ज्यादा हो गई। हाँ, वो प्रवृत्ति बढ़ गई, तो उसके कारण से क्या हुआ कि जो आचरण की अनस्टेबिलिटी वो तो चली गई, और सुविधा संग्रह से जो तृप्ति चाहिए थी वो आई नहीं, और समाज के साथ एक कॉन्फ्लिक्ट हो गया स्टेट के साथ, उसके कारण जो है वो आज जेल जेल में है, है ना। मतलब सुविधा संग्रह करते समय ये भी नहीं सोचा कि इसके रिजल्ट जो है इतने खराब भी हो सके। ये इस तो यही हालत ऑलमोस्ट सभी परिवारों की है, पूरे जो लोग इस दौड़ में लगे हुए हैं, है ना। तो यदि देख रहे हैं तो सभी के आचरण में अनस्टेबिलिटी बढ़ रही सुविधा संग्रह से। तो बाबा जी उसी को बता रहे हैं कि सुविधा संग्रह से आखिर हासिल क्या, मिला क्या, है ना, अतृप्ति के अलावा कुछ हुआ? तो फिर तृप्ति की जगह कहाँ है? तो प्रश्न है कि हम मान ले हम कहें कि धर्म है, तो धर्म में जाते हैं तो पता लगता है कि धर्म में भी तृप्ति नहीं है, धर्म में भी सुविधा संग्रह का होड़ लगा, धर्म में भी अहंकार का प्रदर्शन है, धर्म में भी लड़ाई झगड़ा संघर्ष है। तो फिर कहाँ जाएं? फिर विज्ञान में जाते हैं, है ना। तो विज्ञान जो है वो नए नए प्रकार की भोग सामग्रियों को बढ़ाने के रूप में भी क्या, अभी आप देख लो जहां जितना ज्यादा विज्ञान है वहां उतनी ज्यादा भोग की सामग्रियां हैं, और वो भोग बहुभोग अति भोग से होता हुआ विलासिता, और विलासिता से एक प्रकार की थकान के ओर ले जा रहा है, फ्रस्ट्रेशन में ले जा रहा है ना। वो आप चाइना में देख सकते हैं, वो आप अमेरिका में देख सकते हैं, वो सारे डेवलप कंट्रीज में देख सकते हैं, और संपन्न लोगों के अब इंडिया में जो अति संपन्न लोग हैं जिनके पास ये सब विज्ञान के ज्यादा से ज्यादा चीजें उपलब्ध हैं, उनके परिवारों में बच्चों की मानसिकताओं में सबको देख सकते हैं जी। तो प्रश्न है फिर आदमी कहाँ जाए, है ना। जो ट्रेडिशनल लॉ था, सिस्टम था, ट्रेडिशनल सिस्टम, उसमें तृप्ति नहीं है। जो आचार संहिता थी उसमें जो एक आचरण की स्टेबिलिटी थी, डर से, प्रलोभन से, जैसे भी आस्था से एक स्तर का नियंत्रण था, वो भी खत्म हो गया। हालांकि उस नियंत्रण में भी तृप्ति नहीं थी, क्योंकि भय स्वीकार नहीं है, ऐसा बाबा जी यहाँ अभ्यास दर्शन में उसकी विवेचना कर रहे हैं, वो स्वीकार था नहीं। तो फिर आखिर ये जो हमारी जो अंतर्द्वंद है जो हमारे अंदर मानव परंपरा में, एक व्यक्ति के अंदर भी है, एक परिवार में भी है, समाज में भी, राष्ट्र में भी, और अंतर्राष्ट्र में भी है। अंतर्राष्ट्र में आप देखिए, सभी लोग मानते हैं ग्लोबल वार्मिंग ठीक नहीं है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग ठीक कैसे हो ये भी पता है लोगों को कि ऐसे ठीक हो सकती है, लेकिन ठीक नहीं कर पा रहे, क्योंकि इस राज्यों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है। नहीं, एक मिनट पाठक जी, रोकूंगा आपको। ये लोगों को पता है वे कैसे ठीक होगी और किस वजह से है ग्लोबल वार्मिंग? हाँ, ये सब पता है, वो कह रहे हैं कि कार्बन परसेंटेज बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है ये भी पता है उनको कि हम पेट्रोल और कोयले का उपयोग कर रहे हैं, उससे बढ़ रहा है, और इसीलिए कार्बन डेटिंग आई, कार्बन कम करने के लिए रूल आए, फिर कुछ लाभ बनाए गए, फिर बाद में कार्बन क्रेडिट की भी बात आई कि यदि आप जितना कम पॉल्यूशन करेंगे कोई इंडस्ट्री तो हम उतना आपको बेनिफिट देंगे, सब आया।
नहीं आया है, लेकिन उसमें जो तेल की धूप वो कहाँ बंद कर रहे हैं, वही तो मैं कह रहा हूँ क्यों बंद नहीं कर रहे, क्योंकि उनको लगता है कि हम पिछड़ जाएंगे, जो भी देश बंद करेगा वो पीछे हो जाएगा, किसमें पीछे हो जाएगा, सुविधा संग्रह, सुविधा संग्रह में पिछड़ जाएगा, जिसको हम लोग आजकल इकोनॉमी कह रहे हैं ना, इकोनॉमी में पिछड़ जाएगा ऐसा। नहीं इसमें एक मिनट रुकिए आप, जैसे अपना जो बीए तक मैं पढ़ा हूँ है ना, तो उसके कहीं भी पाठ्यक्रम में कहीं एक लाइन भी नहीं है कि खनिज कोयला और खनिज तेल जो और ये विकिरणीय धातुएं हैं और न्यूक्लियर जो प्रयोग हैं ये धरती का टेम्परेचर बढ़ने के लिए जिम्मेवार है, ये हमने तो कहीं भी नहीं पढ़ा है। सिर्फ इतना पढ़ा है अभी यूनाइटेड नेशंस में आप देखेंगे उसमें इतना ही है कि प्लास्टिक जो है ना वो गिरा रहे हैं अपन और पेड़ काटे जा रहे हैं, जितना मैं बता रहा हूँ आपको जितना लिखा हुआ है किताबों में वो इतना लिखा हुआ है, टीवी अखबार में भी इतना ही आता है और सब जगह इतना ही है, और जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल की जो सेमिनार्स होती हैं ये जी जी लोग भी कई जगह बाबाजी मतलब जो इनको ज्ञान मिला ये 1975 में मिला है ना, तो यहाँ तो ये बिल्कुल क्लियर बोल रहे हैं। और ये जो है बीए तक के लेवल में तो नहीं था जब हम पढ़े थे, और 12वीं तक के बच्चों को हम पढ़ाते हैं अभी उनकी किसी एक, मैं क्या कह रहा हूँ उसको आप समझ, अभी जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे लोगों को ये पता है कि ग्लोबल वार्मिंग का कारण क्या है, नहीं वो उनको इतना नहीं पता है। जो अपने पास आप एक स्कूल के विद्यार्थी को छोड़ दीजिए, हाँ जी है ना, पेड़ से पेड़ काटना वजह है इसकी, इससे फालतू तो मेरे को नहीं लगता किसी को समझ में आया कुछ। नहीं नहीं कार्बन से हो रहा है भैया, कार्बन परसेंटेज बढ़ने से हो रहा है, CO2 लेवल कम करने की बात आ रही है, कार्बन क्रेडिट आ रहा है, कार्बन को लेके ला आया है, कार्बन को लेके ला आया है, तो उसमें ये इम्प्लीमेंटेशन क्या कर रहे हैं, BS6 कर दिया, इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं कर पा रहे हैं, उसका कॉन्फ्लिक्ट है ना, उसका कॉन्फ्लिक्ट। इसमें थोड़ा सुनिए, इसमें ये समझ में आ गया मान लिया, तो उसमें उनको ये समझ में आया है कि BS5 जो इंजन है ना वो कार्बन उत्सर्जन ज्यादा करता है, तो दे आर ट्राइंग टू चेंज द यू नो स्पेसिफिकेशन ऑफ द इंजन नॉट द फ्यूल, तो वो चेंज कर रहे हैं। अब जैसे आज हिंदुस्तान लागू कर रहा है कि BS6 गाड़ियां ही बिकेंगी, तो ऐसा लगता है कि इनकी इंटेंशन में तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी ये तो मतलब पूरी गाड़ियां ही चेंज कर रहे हैं। वो थोड़ा सा इसको थोड़ा सा सुन ले आप ध्यान इसको एक बार, तो मैं ये कह रहा था कि पूरी दुनिया में ये तो पता लग ही गया है कि ग्लोबल वार्मिंग से कारण क्या है, काफी बहुत सारा रिसर्च हुआ है, ये भी पता है लोगों को कि इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, मैं ये कह रहा हूँ ठीक है, वो बाबा जी ने जो कहा वो अपनी जगह पे पूर्णता के साथ में कहा है, लेकिन इनको अलग 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 तरीके, जैसे ओजोन लेयर क्यों डैमेज हो रही है तो सबको पता है क्यों डैमेज हो रही है, किन किन कारणों से हो रही है, लेकिन ओजोन लेयर जो है वो ठीक करने के लिए कौन पहल करेगा इस पे सहमति नहीं बन पा रही है, क्योंकि पहल करने के लिए जो विकास की गति है उसको कम करना पड़ेगा, जो सो कॉल्ड विकास की गति क्या है, सुविधा संग्रह को एकत्रित करना, सुविधा संग्रह के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन है, उसके लिए सारी गाड़ियों का उपयोग करना, ऐसा मैं उस अर्थ में बात कर रहा हूं। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ना व्यक्ति परिवार समाज राष्ट्र में, यदि ये कॉन्फ्लिक्ट का रेजोल्यूशन नहीं आता है, जो केवल मध्यस्थ दर्शन ही प्रस्तावित कर रहा है, अभी दुनिया में मेरी जानकारी में ऐसा कोई फिलॉसफी नहीं है, यहाँ तक कि कोई भी पॉलिटिकल थाट भी नहीं है जो इस तरीके की बात कर रहा है ना, तो ये यदि सार्वभौमिकता के रूप में हम लोगों को स्पष्ट होता है तब हम इसको जनमानस में ले जा पाएंगे, तर्क सम्मत विधि से शिक्षा संस्थान में ले जा पाएंगे, उससे मानसिकता बनेगी, इसी का अभ्यास करना है, इसको अभ्यास कहते हैं, इसको आप व्यक्ति के लेवल पे समझने की कोशिश करेंगे तो नहीं आएगा,
जो उत्तर, जो अपेक्षित उत्तर है ना, वो उत्तर नहीं आएगा। तो इसीलिए ये जो अभ्यास दर्शन है इस बात को स्पष्ट कर रहा है। और इसमें कई बार जो हमने जितने भी अध्याय अभी तक पढ़े हैं उन अध्याय कई जगह पर ये आया है कि व्यक्ति के स्तर पे कोई कार्यक्रम नहीं है, व्यक्ति के स्तर पे कोई आचरण नहीं निकलता है, व्यक्ति के स्तर पे कोई व्यवस्था नहीं निकलती है ना। तो हम लोग जो है परिवार पहली यूनिट है, मतलब व्यवस्था की पहली इकाई परिवार है। हाँ, व्यक्ति के स्तर पे नहीं निकलती है ऐसा। और अभी पिछले कुछ सालों से कुछ लोग नए भी जुड़े हुए ना, मेरा एक सजेशन था कि जैसे कोई भी चैप्टर खत्म होता है अपना, तो क्या अपन आगे से करें भी उसमें से हमारे लिए अभ्यास का इस चैप्टर से क्या चीज निकली, शुड वी ट्राई फाइंडिंग आउट दोस थिंग्स। देखिए वो आप जब हमारे लिए बात करते हैं ना तो व्यक्ति के लिए हो जाता है। जैसे मान लीजिए आप ही पढ़ रहे हैं या मैं पढ़ रहा हूँ, तो मैं कहूंगी मेरे लिए अभ्यास के लिए क्या निकला। तो मूलतः जो अभ्यास की बात है ना वो व्यक्ति के लिए नहीं है, ये अभी अभ्यास व्यक्ति के लिए भी है, परिवार के लिए भी, समाज के लिए भी, राष्ट्र के लिए, अंतर्राष्ट्र के लिए। अभी देखिए परिवार तो बना नहीं है, लेकिन हमको परिवार में किस तरीके के अभ्यास करना है, और फिर परिवार जो है समाधानित होने के बाद समाज के साथ क्या अभ्यास करेंगे, उसका चित्र तो हमारे सामने स्पष्ट होना चाहिए। यदि वो चित्र स्पष्ट नहीं होता है ना, तो हमको लगेगा कि ये जो विकल्प है ये अधूरा है। मैं समझा पा रहा हूँ नहीं समझा? नहीं, बहुत ही अच्छा, नहीं ठीक कर रहे हैं आप, बहुत स्पष्ट रखा है, बहुत स्पष्ट रखा है। जी जी, इसलिए हम लोग पहली बात तो ये है कि हमको इस मानसिकता से निकलना पड़ेगा, ये व्यक्ति के लिए है ये प्रस्ताव, सहअस्तित्ववाद है, ये अखंड समाज के लिए। लेकिन शुरुआत तो व्यक्ति से ही होगी, तो व्यक्ति समाधानित होगा, अपने समाधान को अपने जो संबंध संपर्क के क्षेत्र में उसको तो व्यापीकरण करेगा, उसको शिक्षा संस्थाओं में ले जाएगा, शिक्षा संस्थाओं से इसकी जो सार्वभौमिकता है उसका उदय होगा। जैसा अभी मैंने आपको बताया कि पूरी शिक्षा में कई प्रकार की मानसिकताएं पैदा हो रही है ना, वो मानसिकताएं इसलिए पैदा हो रही हैं क्योंकि कोई भी मानसिकता पूरी नहीं है, है ना। जैसे मान लीजिए हम कम्युनिज्म को पढ़ते हैं, जैसे JNU में पढ़ते हैं, वहां पर एक एनवायरमेंट है, है ना, पढ़ते तो यही सिलेबस है जो दूसरी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है, लेकिन वहाँ एक एनवायरमेंट बना हुआ है कम्युनिस्टों के कारण से, और वो भी कम्युनिस्ट है, तो वो उस ओरिएंटेशन से पढ़ाते हैं, तो बच्चों में एक प्रकार का मानसिकता बन जाता है। जामिया में जाते हैं तो जामिया में भी वही सब पढ़ाते हैं, फिजिक्स, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, है ना, लेकिन उसमें कुछ मुस्लिम एंगल को जोड़ देते हैं ना, तो उसके कारण से उनमें जो है ना प्रो इस्लाम के फेवर में मानसिकता बन जाती है लोगों के अंदर। और मैंने ऐसे ही कहा कि जो बाकी जो एकेडमिक्स है उन सब में भी है, तो कई प्रकार की मानसिकताएं, तो ये सारी मानसिकताएं किसी सार्वभौमिकता में विलय हो सकती हैं क्या, ये संभावना को जो है इसमें प्रकट किया गया है, जिसको हम लोग अभ्यास दर्शन कह रहे हैं ना, कि इसमें ये सभी मानसिकताएं, जाति धर्म आदि की जो भी मानसिकताएं हैं या जो विचारधारा संबंधी मानसिकताएं हैं, उनकी ना केवल समीक्षा की गई है, उनके विलय होने की संभावना को भी का भी स्पष्ट संकेत दिया गया है, ऐसा मुझे समझ में आता है, ऐसा जैसा मैं कह रहा हूँ। ठीक है जी भाई। हाँ ठीक है सर, मुझे लगता है अभी इस थोड़ा सा वाले चैप्टर को, हाँ जी बिल्कुल, आपका जो प्रस्ताव है इस पे भी हम लोग विचार कर लेंगे कि क्या इससे हम लोग इसको निकाल सकते हैं कि मेरे अपने लेवल पे हमको इसमें क्या मिल रहा है, और हमारे परिवार के लिए क्या मिल रहा है, और समाज के लिए क्या। मेरा जितना, जैसे पहले अपन पढ़ते थे ना,
तो जैसे अपने मतलब पठन में प्रौढ़ता आई थी, मेरे पठन में जैसे प्रौढ़ता आई थी, तो अपन हर चैप्टर को समराइज करते हैं। हाँ, समराइज कर सकते हैं, कल कर देंगे 20 चैप्टर तक का समराइज हमको तो समझ में क्या है। समराइज जब भी करते हैं तो डायरेक्टली मीनिंग यही होता है भी ये चार पेज में, छह पेज में, पांच पेज में हमारे को क्या समझ में आया। अभी अपन लोग कम से कम ऐसा तो कर ही रहे हैं कि पिछले दिन का समराइज कर लेते हैं। हाँ, ये तो अपन कर ही रहे हैं कंटिन्यूअसली, है ना। और ये बुक में मेरा बोलना मतलब ये था कि जितने भी 10-12-15 लोग अपन हैं वो सारे ही मतलब करेंगे तभी वो हो पाएगा, मतलब जो है ना चीज। इसीलिए तो ये जूम को चुना है ना, ताकि संवाद हो, बात हो, प्रश्न रखे। ये बात अदरवाइज तो पर्सनली आपसे फोन पे भी कर सकता था ये। हाँ, मैं तो समझ गया, ये सभी के लिए है। कोई भी जब भी कोई भी मुद्दा कोई उठाता तो ऐसा थोड़ी होता कि वो उसके अपने लिए होता है। अध्ययन में तो जो भी मुद्दा उठता है उससे सबका फायदा होता है। जैसे मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ केवल आपके लिए थोड़ी कर रहा हूँ, सभी के लिए कर रहा हूँ। जो भी आप प्रश्न कर रहे हैं वो भी सभी के जो प्रश्न है उन्हीं प्रश्नों में से तो प्रश्न है जी। तो इसलिए इस विधि से ही उपकार होता है। यदि हम प्रश्न को अपने अंदर में ही रखे रहें या हम उत्तर को टाल दें, है ना, दोनों स्थितियों में अध्ययन में व्यवधान आता है। तो हमको उत्तर को टालना नहीं, उत्तर को समझना ही है। जब तक समझना नहीं है आगे बढ़ने से भी बहुत फायदा नहीं है ना। इसमें एक मिनट भैया, आपने कहा अध्ययन में व्यवधान आता है, मैं मिस कर गई कुछ, वो क्या आपने कनेक्ट किया? मैंने कहा कि यदि प्रश्न आपके अंदर ही रह गया, प्रश्न यदि आपके अंदर में ही है, आप प्रश्न पूछा ही नहीं आपने, तो इसका मतलब आपकी गाड़ी रुकी हुई वहीं पे, आपकी गाड़ी रुकी रहेगी उसी प्रश्न पे, है ना। और वो जो रुकना है ना, जो हमारा रुकना कई कारणों से हो सकता है, संकोच बस हो सकता है, अहंकार बस हो सकता है ना, जल्दीबाजी के कारण से हो सकता है ना, या हमने ध्यान से नहीं सुना इस कारण से भी हो सकता है। ऐसे कई 25 प्रकार के कारण हो सकते। और दूसरा है कि जब मैंने प्रश्न, आपने प्रश्न किया है, आप में से किसी ने प्रश्न किया और मैंने उत्तर टाल दिया, मैंने कहा कि इस पे बाद में करेंगे, अभी इसको कर लेते हैं, ऐसे करके, तो वो जो प्रश्न है वहीं का वहीं रहेगा, तो इससे अध्ययन पूरा ही नहीं होगा कभी, है ना। फिर हमको एक बार फिर लगेगा कि हमने अभ्यास दर्शन तो पढ़ लिया लेकिन कुछ हाथ तो आया नहीं, क्योंकि प्रश्न यथावत बने हुए, तो इसलिए वो कार नहीं हो पाएगा, अध्ययन पूरा नहीं हो पाएगा। तो इसमें जब कोई भी प्रश्न करता है तो सबके अंदर के प्रश्नों में से निकलता है, प्रश्न तो सबके अंदर रहते हैं। कई बार ये भी होता है कि जैसे ऐसा नहीं है कि मुझे ही सब प्रश्नों के उत्तर पता है, तो मैं पूछता भी हूँ कभी योगेश भाई से, सुनीता बहन से, है ना, और कभी कभी और भाई से, फाल्गुनी बहन से, भाई आप बताइए। उस लड़की को बोलना कि डैडी के लिए हल्दी का तेल लाना है। कई बार अजीत भाई ने भी ध्यान आकर्षण कराया है। भैया आपका नेटवर्क लोड ले रहा है सबका, मेरा नेटवर्क लोड ले रहा है, बार बार वो हो रहा है। क्या हो रहा है, मतलब आवाज नहीं आ रही है क्या? आप दूसरा नेट, इंटरनेट सो ना, उसको बंद कर दीजिए, येलो जोन में दिखा रहा था इसलिए। मेरे को मैसेज आ रहा है कि नेटवर्क बैंडविड्थ इज लो आपका, ऐसा मैसेज आ रहा है। आज है ही वो, दिन भर से ही लो है। मैं एक काम करता हूँ, मेरे पास एक दूसरा वाला, नहीं मेरे पास एक दूसरा वो है, वो वाला ले लेता हूँ। हाँ भैया, दूसरी सिम वाला ले लेता हूँ अभी जो। नहीं वैसे तो चल रहा है, कोई इशू नहीं, अगर एक दो फोन डिस्कनेक्ट करेंगे तो चलेगा, वो कोई इशू नहीं है। अभी ठीक है, अभी आवाज तो ठीक आ रही है ना कुछ? हाँ, आवाज बढ़िया आ रही है। मैंने चेंज किया है, अभी हो सकता है बीच में एक आध बार डिस्कनेक्ट हो, क्योंकि वो नेटवर्क चेंज करने में ये होता है कि डिस्कनेक्ट हो जाता है, कई बार नहीं भी होता। हाँ नहीं हुआ,
हम लोग एक बार थोड़ा सा इस अध्याय को पढ़ लेते हैं, है ना भैया, और फिर थोड़ा डिस्कशन आगे भी रख। चर्चा चल रही थी उसमें एक छोटी सी बात जोड़नी थी कि 8th, 9th, 10th में बहुत डिटेल में फॉसिल फ्यूल के बारे में दिया हुआ है। हाँ हाँ, पोल्यूशन और ये सब चीजों के बारे में इवन अभी आ गया है ना, पहले नहीं था। वो जो एनवायरमेंट की एजुकेशन आई ना, जी जी, ये अभी मुश्किल से 7-8 साल पहले, उसको भी सरकारें लाने के लिए तैयार नहीं थी, तो किसी ने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लगाया सुप्रीम कोर्ट ने। फिर सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर किया कि एनवायरमेंट एजुकेशन कंपलसरी होगी ग्रेजुएशन तक, तो इसीलिए एनवायरमेंट स्टडीज के रूप में ग्रेजुएशन में आ गया, जिसको फिर फाउंडेशन कोर्स में डाल दिया गया। टेंथ में ये रहता है काफी डिटेल, टेंथ में नहीं ग्रेजुएशन में कह रहा हूँ, और इसके बाद स्कूलों में ले आए हैं। तो पहले स्कूलों में जो प्राइमरी स्कूल है ना, उसमें ये एनवायरमेंट स्टडीज नहीं होती थी, EBS जिसको बोलते हैं ना। तो अभी NCERT और ये CBSE के जो सिलेबस है ना, उसमें उन्होंने EBS कंपलसरी कर दिया, और EBS का जो दायरा है ना, वो केवल प्रदूषण तक नहीं रखा है, उसको और भी चीजों से जोड़ दिया। उसमें EBS में परिवार क्या है वो भी जोड़ दिया, थोड़ा सा साइंस को भी जोड़ दिया है ना, जल प्रदूषण क्या है, वायु प्रदूषण क्या है, मट्टी क्या है, पेड़ पौधे क्या है, ऐसा EBS में काफी चीजें जोड़ दी। लेकिन ये मुश्किल से 10 साल का ही है जो 10 साल में हुआ है, और अजीत जी जिस समय पढ़ते थे स्कूल में उसको शायद 30-35 साल हो गया होगा, 40 साल हो गया। मैंने M.Tech किया था तब से 35 साल हो गया, 35, मैंने 85 M.Tech किया था, तो 35 साल पहले या 40 साल पहले जब मैं यूनिवर्सिटी ज्वाइन की थी 40 years back, है ना, तब एनवायरमेंट स्टडीज नहीं था, और स्कूलों में भी कुछ नहीं पढ़ाते थे, स्कूलों में भी कुछ नैतिक वैतिक शिक्षा चलती थी, लेकिन उसमें कोई, अच्छा उस समय 40 साल पहले कोई बहुत बड़ा मुद्दा भी नहीं था एनवायरमेंट का। एनवायरमेंट इतना बड़ा मुद्दा अभी बन गया है जब से ग्लोबल वार्मिंग और मौसम का संतुलन, ये करीब 20-25 साल से बन गया। जब पहला अर्थ समिट हुआ था थोड़ा सा शुरू हुआ, और ये दिनों दिन अभी ये जितने भी प्रकार के जो तूफान आ रही है, ये सब जो है ग्लोबल वार्मिंग के कारण से और मौसम का असंतुलन होने से ही आ रहा है, जिसको अपन ऋतु का असंतुलन कह रहे हैं ना, वही सब उसमें से मूल कारण है। और अभी आने वाले समय में 10 साल में और तेज हो जाएगा ये सब, जैसे बाढ़ भी आती थी लेकिन इतनी भयानक बाढ़ नहीं आती जैसी मुंबई में आई, जैसी अभी अचानक बहुत तेज पानी गिरने से आ गई। उससे पहले अमेरिका में और इन सब देशों में, बहुत सारे देशों में, ठीक है। हाँ भैया, आप में से किसी को और कुछ बोलना? हाँ पाठक जी, मैं थोड़ा शेयर करूंगा इसमें अपना। करिए करिए। हाँ, जो भी अभी अजीत जी ने और आपने वार्तालाप हुआ और उसके अंदर में काफी डिटेल के साथ जो ये बातचीत हुई, तो जो शंकाएं इनकी अजीत जी की थी, तो उसके अंदर में मुझे ये लगता है कि जो हमारे बौद्धिक क्षमता है ना, बौद्धिक आयाम है जो हमारा, तो उसके अंदर में अगर हमारी होने की निरंतरता के बारे में थोड़ी सी इस पे चर्चा हो जाए, और इसके अंदर में अगर थोड़ी सी और पकड़ आए कि मैं हूँ और मैं निरंतर हूँ, तो वो उसके अंदर में फिर वो समाधान धीरे धीरे मेरे को लगता है कि वो ज्यादा आएगा, और उसमें ये व्यवस्था को लेकर के, समाधान को लेकर के एक व्यवस्थात्मक रूप से विचार जो है वो डेवलप होने लगेंगे, और वो फिर जो है हमारा वो थर्ड आयाम के अंदर में और फोर्थ आयाम के अंदर में जो चर्चा है वो पूरी की पूरी, मतलब कि व्यक्ति से फिर वो शुरुआत, व्यक्ति के अंदर में पुष्टता ज्यादा आएगी, और वो पुष्टता व्यक्ति के अंदर में आने से फिर उसके बाद जो है ये परिवार के अंदर में, समाज के अंदर में, और उसके अंदर में एक संतुलन के साथ वो धीरे धीरे समझ के साथ आगे बढ़ सकता है, मुझे ऐसा लगता है। नहीं, आपने जो बात कही है इसमें मैं दो बातें कहना चाहता हूँ। जी जी।
पहली बात तो है कि व्यक्ति के अंदर क्या आ जाए, व्यक्ति के अंदर अखंड समाज मानसिकता आ जाए, व्यक्ति के अंदर सार्वभौम व्यवस्था की मानसिकता आ जाए, व्यक्ति के अंदर मैं हूँ और निरंतर हूँ, इससे कुछ नहीं होता है। ये तो हमको हजारों साल से पता है, मैं हूँ निरंतर हूँ, आत्मा अमर है, इससे क्या होता है। तो ये बात समझ में आए कि मैं व्यक्ति के रूप में होते हुए भी ना मैं सह अस्तित्व में हूँ। हाँ, मेरा जो अपना होना है ना, मानव के रूप में होना हो चाहे मेरा जीवन के रूप में होना हो, है ना। हाँ हाँ, तो मेरा जीवन के रूप में होना भी सह अस्तित्व में ही है, ये बात हमको स्पष्ट होना चाहिए ना। दूसरा, मानव के रूप में भी मेरा होना सह अस्तित्व में है, यानी अखंड समाज है तो समाज है, समाज है तो परिवार है, परिवार है तो व्यक्ति, है ना। अरे परिवार ही नहीं है तो व्यक्ति कहाँ से आएगा, संबंध विहीन तो व्यक्ति नहीं है, माता पिता के योग से ही जो है संतान की उत्पत्ति। तो ये जो सह अस्तित्व में मैं हूँ या सह अस्तित्व का मैं एक अंश हूँ, इस रूप में अपने होने को स्वीकारना। जी जी, इसी ये तो हुआ अपने होने की स्वीकृति, है ना। अब प्रश्न है कि मुझे रहना कैसे है, तो रहना भी सह अस्तित्व से ही है। हाँ, तो मुझे सीखना क्या है, मुझे ये नहीं सीखना कि मैं मेरा जीवन कैसे चलेगा, है ना। मुझे सीखना यह है कि परिवार कैसे रहेगा, क्योंकि परिवार रहेगा तो मैं रहूंगा। परिवार यानी हम जिन संबंधों में हैं, यदि उन संबंधों में लोग दुखी हैं, पीड़ित हैं, उनमें संघर्ष है, लड़ाई झगड़े हैं, कलह क्लेश है, तो मैं सुखी कैसे रह सकता। और यदि हम किसी विधि से रह भी गए, हम सुखी रह भी गए, तो संवेदन शून्यता का प्रमाण है जो कहीं ना कहीं अतृप्ति करेगा, हमारे फिर होने का क्या मतलब है। ठीक है ना, यदि हमारे अंदर पूरी मानव जाति के साथ अपनत्व का अपनत्व के रूप में संवेदनशीलता ही नहीं है, कम से कम जिन संबंधों को हम पहचाने हैं उन संबंधों के प्रति यदि संवेदनशीलता नहीं है, संवेदनशीलता का मतलब है उनके दुख को, वो जिन चीजों से दुखी होते हैं उससे हम भी दुखी होते हैं, तो फिर समाधान का प्यास ही नहीं आएगा, फिर हमारे जीने का मतलब क्या है। मैं समझा पा रहा हूँ आप? हाँ, नहीं ठीक है, ठीक ठीक है, है ना। तो सह अस्तित्व में अपने को समझना है, जो हर इकाई जो है ना सह अस्तित्व में है, तो ये जो होना और रहना है ये दोनों सह अस्तित्व में ही है। तो यहाँ पे जो सह अस्तित्व है उसी को परम सत्य के रूप में जो है किया है। तो कई बार क्या होता है, हम लोग मध्यस्थ दर्शन से युक्तिवादी तरीके से सोचने लगते हैं, हमको लगता है मेरे कुछ प्रश्न है वो ठीक हो जाए, मेरा परिवार में जो भी थोड़ा बहुत झगड़े थे वो ठीक हो जाए, बाकी हम जो कुछ करते धरते हैं वो सब करते धरते रहे और हमारा जीवन कट जाए, ऐसा भी सोचते कई लोग ऐसा। तो ऐसा सोच के वो एक आंशिकता में कुछ तो तृप्ति में मिलती है, कोई एक जगह थोड़ा सा रिलैक्सेशन तो मिलता है, लेकिन पूर्ण पूर्णता नहीं मिलती है ना जी, पूर्ण तृप्ति नहीं मिलती जी, जी। पूर्ण तृप्ति तभी मिलती है जब हमको सभी की समस्याओं का समाधान पता हो, हमको अपना लक्ष्य भी पता हो, अपना लक्ष्य यानी मानव का लक्ष्य पता हो, सभी आयाम हमको पता हो। प्रश्न कि हम क्यों साधना चाहते हैं, क्योंकि इससे कम में तृप्ति नहीं है, आप समझिए। लोगों ने व्यक्तिवादी तरीके से जी के देख लिया है ना, व्यक्तिवादी तरीके से जीने में उनको तृप्ति नहीं मिली है ना। कुछ एक समय के बाद आदमी को लगता है कि हम अकेले जिएंगे क्या, कोई किसी के बारे में कोई बता रहा था कि समाज ने उनके साथ जो है ऐसा किया, तो इसीलिए वो अभी किसके लिए करें, ऐसा उन्होंने किसी ने प्रश्न मेरे से किया था, वो किसके लिए, किसके लिए करें, है ना। तो चलो आप किसी के लिए नहीं करो तो फिर आप जियोगे कैसे। मान लीजिए आपके साथ बुरा भी किया समाज ने,
तो भी आपकी तृप्ति तभी है जब जिस समाज ने बुरा किया उसको अच्छा बना दे। बिल्कुल ठीक है, इससे कम में तृप्ति नहीं है ना। ये जो हम पलायन है, उदासीनता है, तटस्थता है ना, इस विधि से उदासीनता है, इस विधि से मानव जाति तृप्त नहीं हुई है। हम लोग जो ध्यान की विधियां अपनाते रहे ना, और ध्यान की विधियों में यही मानसिक प्रवृत्तियां मूल रूप से क्रियाशील थी कि हमको संसार के प्रति उदासीन हो जाना है, या हमको वहां से पलायन कर देना है, या हमको संसार में जो भी दुख तकलीफ है उससे तटस्थ हो जाना है, तटस्थ हो ध्यान हटा लेना वहां। हाँ ये रहा पहले। तो इस विधि से हम लोग जी रहे थे ना, अपने में, इसी को हम लोग साधना बोल रहे थे। हाँ हाँ, तो ये तो संवेदनशीलता का भी प्रमाण नहीं, साधना तो बहुत दूर की बात है। ये तो जिम्मेदारी से भागना है, कर्तव्य दायित्व से भागना है ना, संवेदनाओं से भागना है, संवेदन है ना। और फिर जाना कहाँ है वो स्पष्ट ही नहीं है। मतलब ऐसा आदमी जो परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतरराष्ट्रीय या मानवीय जो भी क्रियाकलाप है उसके प्रति वो उदासीन है, तटस्थ है, पलायन करता है ना, या भागता है वहां से, है ना, और भाग के वो अपने में केंद्रित हो जाता है ना, जिसको अपन ध्यान कह रहे हैं, अपने में केंद्रित हो जाता है। तो ऐसा होने के बाद हम हमारे होने का ही क्या औचित्य बचाते। ठीक है, हम ऐसा क्यों होना चाहते हैं? हाँ, वो रहने के रूप होता ही है कि हाँ, वो रहने के रूप में तो छोड़ ही दिया ना, रहने को तो हमने नकार दिया। हाँ, उत्तरप्ति वही मिलनी है, उत्तरप्ति वही मिलना है। इसीलिए फिर बाबा जी ने कहा ये चार आयाम पांचवें स्थिति की एक सूत्रता ही अभ्युदय है, इसी के लिए सारा अध्ययन है, इसी के लिए सारा अभ्यास। और इसीलिए फिर क्या हुआ कि जब हम अकेले हो गए तो हम जीवन के रूप में भी अकेले हो गए, आशा विचार इच्छा भी जो है चुप हो गया, और इसके बाद मान लीजिए कोई मुक्ति मोक्ष होता है, कुछ होता है पता नहीं। हाँ, है वो तो अगर मान लो वो हो भी गया किसी आदमी के अंदर, वो हो गया, उसको मोक्ष मिल गया, मोक्ष में क्या करेगा वो? हाँ, अकेला। अल्टीमेटली यही कल्पना बनती है कि फिर वो मोक्ष हो गया तो वो जो है ब्रह्म में लीन हो जाएगा, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। एक प्रकार से वो पत्थर हो गया, ऐसा हम तो कहेंगे पत्थर हो गया, जैसे एक पत्थर पड़ा रहता है वो किसी को हस्तक्षेप नहीं करता है, ऐसे एक पत्थर बन गया है ना, हम पड़े हुए हैं कहीं ऐसा अस्तित्व में। हाँ, कहीं पर हम पत्थर जैसे पड़े हुए। तो ये जो पत्थर बनना यानी जड़ हो जाना, जड़ हो जाना तो चैतन्य का लक्ष्य नहीं हो सकता। चैतन्य का लक्ष्य तो चैतन्य होना, जागृति होना, चैतन्य शक्तियों का प्रखर होना, प्रबुद्ध होना है ना, उस प्रबुद्धता को प्रमाणित करना, या संज्ञानशील होना, ज्ञान विवेक विज्ञान संपन्न होना, ये चैतन्यता का लक्षण है, जड़ता थोड़ी है। ठीक है ना? हाँ ठीक। कुछ स्पष्ट हो रहा है इसमें? नहीं बिल्कुल ठीक। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत, बहुत बढ़िया रखा भैया, बहुत बढ़िया। योगेश भाई सुना आपने? योगेश भाई। हाँ भैया, ठीक है ना? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है भैया। हाँ सही है, सही है। हाँ भैया ठीक है, आप सब लोगों का धन्यवाद। हाँ जी, हम भी कोशिश कर रहे हैं समझने का, अध्ययन कर रहे हैं धीरे धीरे अपने अंदर में जो चल रहा है। बोलिए बोलिए कुछ बोलिए। जी जी तो अभी जाए और कोई मुद्दा ले लें या अध्याय को शुरू कर, क्या कर? मुझे लगता है कि आज 9:40 होने वाला है।
अभी 20 मिनट है हमारे पास। हाँ अगर कोई मुद्दा है तो उस पर बात हो सकती है, डिस्कशन कर, कोई मुद्दा है तो उस पर बात हो सकती है, वरना फिर जो हमारा अध्ययन है। उसी को आगे बढ़ाया जाए। तो ये एक छोटा सा अध्याय है, 2 पेज का, इसको पढ़ लेते हैं मुझे लगता है। हाँ भैया अगर कोई मुद्दा है तो ठीक है, नहीं तो हाँ कल इस पे फिर और भी एक बार इसको फिर से रिवाइज भी कर लेंगे। हाँ भैया, और फिर हम लोग एक दिन तय करते हैं कि अभी तक जितना पढ़ा है उसका एक दिन रिवीजन कर लेते हैं पूरा, जैसा अजीत जी बोल रहे हैं कि भाई एक बार रिवाइज कर लेना चाहिए। तो या तो हम लोग कल ही, कल का दिन ऐसा कर सकते हैं कि जो 20 अध्याय हुए हैं उनका एक रिवाइज कर लेते, रिवीजन कर लेते। कल संडे है भैया, कल संडे है, परसों कर लेते हैं। कल संडे, परसों कर लेते हैं। कल संडे को ब्रेक रखना है क्या? नहीं रखना, कल समराइज कर लेते हैं, बाकी लोगों को पूछ लीजिए। मुझे लगता है कि रख लेना चाहिए, पर देख लीजिए ज्यादा लोग किस पक्ष में है। बताइए संदीप भाई, कल रखना है? संदीप भाई, फाल्गुनी बहन, भास्कर भाई का प्रस्ताव कल रखते हैं भैया? रखते हैं, क्योंकि हाँ, क्योंकि वैसे भी मैं बताऊं कि 9 बजे के बाद तो जो है कर्फ्यू लग जाता है, तो हमारा 8:30 से इसका है, तो उसमें फिर जो है ना मुझे लगता है कि घर पे ही रहेंगे सब लोग। हाँ हाँ, हो सकता है। बताइए फाल्गुनी बहन, वसुंधरा बहन, पद्मा बहन, सुशील भाई, ठीक है? बाकी लोगों के साथ सहमत हूँ। सहमत है अमित भाई, सुनीता बहन, सहमत हम। सुनीता बहन भैया, मुझे तो कोई भी सहमत है। ठीक है भैया, मैंने कहा ही था जैसा सब लोग कह रहे हैं। मीनू भाई, ठीक है, तो हम लोग कल रिवीजन वाला पोर्शन रखते हैं। एक बार आप लोग भी 20 अध्याय तक पलट के देख लीजिएगा, कोई मुद्दे यदि बनते हैं तो वो डिस्कस भी करेंगे। और एक बार इसके जो मुख्य मतलब ये जो 20 अध्याय जो हैं किस दिशा में जा रहे हैं इसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना? ठीक बात है भैया। हाँ, तो अभी इस अध्याय को पढ़ देता हूं मैं एक बार। 21वां अध्याय है, विकास और जागृति ही वैभव क्रम है। उसमें है मानव शरीर के अर्थ में आकार, आयतन, धनोपाधि अपूर्णता के द्योतक हैं, क्योंकि यह भौतिक रासायनिक वस्तुएं हैं। भौतिक रासायनिक मानव शरीर के अर्थ में, शरीर के अर्थ में हमको भौतिक रासायनिक वस्तुएं जो हैं वो आकार, आयतन, घनता के रूप में है, जो अपूर्णता के द्योतक हैं। तो यहाँ पे घनोपाधि शब्द आया है, उसका उपाधि का तात्पर्य है उपाय के लिए बाध्यता, और यहाँ बाध्यता का तात्पर्य भौतिक रासायनिक वस्तुएं हैं जो अपने यथा स्थिति में उपयोगिता पूरकता विधि से सार्थक होना स्पष्ट किया जा चुका है। अपूर्णता से पूर्णता पा लेना ही आद्यांत उपाय चिंतन। ये भैया उपाय के लिए जो बाध्यता है ना, ये कनेक्ट नहीं हो रहा। मतलब भाई ऐसा हाँ, है कि हम हाँ, हमारा शरीर है ना, ये मानव शरीर के अर्थ में बात आ रही है जी। तो शरीर के लिए भौतिक रासायनिक वस्तु की आवश्यकता है ना जी, तो उपाय पूर्वक ही उनको प्राप्त किया जाता है। ठीक है, अच्छा, मतलब उनकी प्राप्त करने के लिए उपाय के लिए जो बाध्यता है, उनको प्राप्त करने के लिए जो बाध्यता है। हाँ ठीक है, ठीक है, तो फिर उपाधि को कैसे कनेक्ट करें? मतलब उपाय के लिए जो बाध्यता है उसका नाम उपाधि है। हाँ, ये जो हाँ, मतलब जिसको अपन कह रहे हैं जो भी भौतिक रासायनिक वस्तु है ना उसको प्राप्त कर लेना जी, वो उपाधि है। हाँ ठीक, उपाय पूर्वक, मतलब वो बाध्यता है कि वो प्राप्त करना ही है। हाँ ऐसा,
ऐसा है ना, ठीक। यानी वो जो हमको कैसे प्राप्त करना है इसकी समझ आ जाना। जी जी ठीक। फिर इसमें लिखा है उपयोग अर्थ, उपयोग करने के अर्थ में ही आय ही उपाय है ना, ये जो आय है ना, तथा उपाय पूर्वक ही उपयोग होता है, उपयोग भी उपाय पूर्वक ही होता है और उपाय पूर्वक उत्पादन भी होता है। उपाय पूर्वक उत्पादन होता है, उपयोग की चरितार्थता विकास के अर्थ में, मनुष्य की जागृति क्रिया पूर्णता एवं आचरण पूर्णता के अर्थ में है। क्योंकि ये जो उपाय पूर्वक हम जो अर्जित करते हैं वो उपाय पूर्वक नियोजित करते हैं ना मानव परंपरा में, तभी क्रिया पूर्णता आचरण पूर्णता के अर्थ में वो स्पष्ट होता है। थोड़ा सा टिपिकल है इसको समझने में, लेकिन ऐसे ही समझ में आ रहा है। ये लिखा है अपूर्णता की तृष्णा, और तृष्णा मतलब प्यास होती है ना, अपूर्णता की प्यास, एक तरीके से प्यास को ही तृष्णा कह रहे हैं, और तृष्णा ही विकल्पापेक्षा। विकल्पापेक्षा का मतलब है अपरिपूर्ण जो अवधारणाओं को पूर्णता के और गति प्रदायी जो तथ्य है उसको विकल्प कह रहे हैं। तो जो प्यास हमारी पूरी नहीं हो रही है उसके अर्थ में ही विकल्प के रूप में अपेक्षा जागती है, और विकल्प की जो अपेक्षा है उसी से सापेक्षता बनती है। सापेक्षता का मतलब है कि कोई नए परिणाम की ओर जाते हैं या विकास को, विकास की स्पष्टता होती है। सापेक्षता ही अपेक्षा, और अपेक्षा ही गति, और गति ही अग्रिम उदय है, ऐसा नहीं। उदय का मतलब उत्थान की ओर गति है, मतलब उत्थान की ओर गति का मतलब है कि क्रमशः 1000 पानी व्यवस्था में उत्थान की ओर गतिशील होते हैं। और ये जो पूरी बात की गई है ये दोनों में की गई है, जड़ प्रकृति और चैतन्य प्रकृति दोनों में की गई। लेकिन वहां पे जो प्यास है, ये तृष्णा शब्द जो है ना, तृष्णा शब्द मानव के अर्थ में रहता है, लेकिन वहां पे भूखे और अजीर्ण परमाणु के अर्थ में होगा, है ना। अब जो अपूर्णता की जो प्यास है, मतलब अपूर्णता ही तृष्णा है, अपूर्णता के रूप में जो प्यास है, यानी हर जो परमाणु है वो पूर्ण होना चाहता है इस रूप में, उसमें तृष्णा है। इसी के रूप में विकल्प है, विकल्पापेक्षा ही सापेक्षता है, सापेक्षता ही अपेक्षा है, अपेक्षा ही गति है। तो ये गति पूर्वक ही वो क्या होता है, पूर्ण होता है, जिसको अपन गठन पूर्णता कह रहे हैं। और उसी तरीके से मानव में भी है, मानव में भी जो अपेक्षा है और उस वो क्रिया पूर्णता और आचरण पूर्णता के रूप में, गति ही अग्रिम उदय है। तो मानवीयता का उदय, मानवीयता से देव मानवीयता, अति मानवीयता, अग्रिम उदय ही परिणाम परिवर्तन परिमार्जन है। तो जब परिणाम की बात आ रही है वो गठन पूर्णता है, परिवर्तन परिमार्जन की जो बात आ रही है वो आचरण पूर्णता और यही जागृति क्रम और जागृति की आद्यंत स्थिति है। इसके संदर्भ में ही संपूर्ण अध्ययन है, यही दर्शन है। फिर आगे कहा गया है कि क्रमिकता ही नियति क्रम है, क्रमिकता ही नियति क्रम है। नियति क्रम का मतलब है नियंत्रण पूर्ण गति ही नियति है, इस तरीके से नियति को स्पष्ट किया है। और नियंत्रण पूर्ण गति के, गति ही जो है वो नियम भी है, तो नियम ही नियति है, ऐसा ऐसा भी इसका अर्थ निकलता है। तो क्रमिकता ही नियति क्रम है, नियंत्रण पूर्ण गति ही नियति है। फिर लिखा है कि क्रमिकता ही गुणात्मक विकास एवं जागृति की शृंखला है। क्रमिकता ही, जिसको अपन विकास क्रम जागृति क्रम कह रहे हैं, क्रमिकता ही गुणात्मक विकास एवं जागृति की श्रृंखला है। गुणात्मक जागृति ही प्रगटन है, अभी जो प्रगटन शब्द के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, यही जड़ चैतन्यात्मक प्रकृति की अभिव्यक्ति है। मैंने
बताया था ना कि प्रकटन ही अभिव्यक्ति है, अभ्युदय को व्यक्त करना ही अभिव्यक्ति है। जब इसको चैतन्य प्रकृति में देखेंगे तो अभ्युदय को व्यक्त करना ही अभिव्यक्ति है, और जब जड़ प्रकृति में देखेंगे तो रूप गुण स्वभाव धर्म के रूप में अभिव्यक्ति है। रूप गुण स्वभाव की विविधता अनेक स्थितियों को स्पष्ट करती है। तो जो जिनको हम चार अवस्थाएं कह रहे हैं वो रूप गुण स्वभाव धर्म की विविधता के कारण से ही है। और ये रूप गुण स्वभाव के रूप में जो विविधता है वो विविधता एक ही अवस्था में भी विविधता दिखती है, जैसे प्राणावस्था में कई प्रकार की, जीवावस्था में बहुत सब प्रकार की विविधताएं हैं। तो ये रूप गुण स्वभाव के आधार पे हैं, लेकिन धर्म के आधार पे वो विविधता जो है वो एकत्व में बन जाती है, इसी के कारण से उसको एक अवस्था के रूप में पहचान। यही स्थितियां क्रम से गठन पूर्णता, क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता को प्रकट करती हैं। यही त्रिसिद्धियां यानी पूर्णता है, पूर्णता त्रय है, और आद्यान प्रकृति में पाई जाने वाली उपलब्धि है। दर्शन क्षमता का उदय, दर्शन क्षमता का उदय यानी दर्शन क्षमता का उदय का मतलब है आगे की ओर गतिशीलता है ना। मानव में विशेषता हुआ है दर्शन क्षमता, जीव संसार में और वनस्पति और पदार्थ संसार में नहीं है, विशेष रूप से मानव में ही इसका उदय हुआ है। अशेष प्रकृति में प्रकटन है, दर्शन क्षमता नहीं है उसमें प्रकटन है। यही अध्ययन एवं उदय का कारण है। क्रिया में वैविध्यता का समापहरण ही सार्वभौमता है, यानी जो क्रिया में वैविध्यता है सार्वभौमिकता की पहचान पूर्वक उनका वैविध्यता का समापहरण हो जाता है। यही मानवीयता का प्रत्यक्ष रूप है। मानव में व्यवहार और उत्पादन क्रियाएं प्रसिद्ध हैं। मूल रूप से दो ही क्रियाएं हैं ना, व्यवहार और उत्पादन, जिसको मानव में जीने के रूप में देखते हैं। उत्पादन क्रियाओं की सार्वभौमिकता निपुणता और कुशलता से, अर्थात उपयोगिता मूल्य और सुंदरता मूल्य के स्थापन करने की सामर्थ्य समानता से है। और व्यवहार क्रिया में सार्वभौमता पांडित्य पूर्ण पद्धति से, अर्थात संबंधों में नेत मूल्यों के निर्वास। यही संस्कृति एवं सभ्यता में सार्वभौमता का आधार है, यही सार्वभौमिकता है। तो इसमें एक आ गया कि मानव में व्यवहार और उत्पादन दो क्रियाएं प्रसिद्ध हैं, और उत्पादन क्रियाओं की जो सार्वभौमिकता है वो निपुणता कुशलता से, अर्थात उपयोगिता मूल्य सुंदरता मूल्य के स्थापन करने की सामर्थ्य समानता से है। और जो व्यवहार क्रिया में सार्वभौमता है वो पांडित्य पूर्ण पद्धति से, अर्थात संबंधों में निहित मूल्यों के निर्वाह से, उस अर्थ में सार्वभौमिक हो जाता है ना व्यवहार जो है सार्वभौमिक। तो ये सामर्थ्य समानता मतलब समानता से क्या यहाँ शब्द से मतलब हर परिवार में ये समर्थता जो है रहती है निपुणता कुशलता। अच्छा, उस तरह से ठीक। और ये जो समापहरण या समापहरण ये शब्द क्या क्या मतलब वैविध्यता को समता में बदलना। अच्छा अच्छा ठीक है। जैसे मानव जाति में जो वैविध्यता है ना, धर्म जाति नस्ल वस्त्र इन सब का समापहरण कैसे होगा, जब मानवीयता में होगा है ना, वही सार्वभौमिकता है। जी जी है ना, इस तरह। फिर लिखा है सार्वभौमिकता ही विरोध का विजय है, क्योंकि यदि सार्वभौमिकता के बिना यदि हम लोग इसको करने की कोशिश करेंगे तो विरोध का विरोध होगा या विरोध का दमन होगा, जैसा हम लोग देख रहे हैं। जैसे मान लीजिए हम चाहें कि लोगों को हिंदू बना दें सबको, है ना, तो वो संभव नहीं है। यानी कोई भी सीमित जो समुदाय है या समुदाय चेतना है, वो समुदाय चेतना से एक समुदाय से दूसरे समुदाय में जाने में विरोध का विजय नहीं है। वो या तो विरोध पूर्वक होता है
विरोध का दमन पूर्वक ना, दमन दलन भय प्रलोभन आदि से ही होता है। तो विरोध का विजय क्या है, तो कह रहे हैं सार्वभौमिकता ही है। यदि सार्वभौमिकता का पहचान होता है तो स्वतः ही मानव की गति उस तरफ होती है। विरोध की विजय ही सहस्तित्व है। अमानवीयता वश जीवन में सामान्य समाज व्यवस्था एवं शिक्षा पद्धति पर्यंत विरोध का अभाव नहीं है। अमानवीयता में व्यवस्था, ये जिसको कह रहे अमानवीयता में जीवन में सामान्य समाज व्यवस्था एवं शिक्षा समृद्धि पर्यंत विरोध का अभाव नहीं। फिर लिखा है कि इकाई की क्षमता में जागृति पर्यंत, जब तक इकाई की क्षमता में जागृति आ नहीं जाती है तब तक विरोध का अभाव नहीं है, विरोध बना रहेगा। फिर है इकाई की क्षमता, क्षमता का मतलब वहन करने की क्रिया है ना। इकाई की क्षमता में जागृति ही गुणात्मक परिमार्जन है। क्षमता का मतलब वाहन करने की क्रिया है, निर्वाह करने की क्रिया है, धारकता सहित वाहक क्रिया है, इस रूप में क्षमता ही बात है। तो इकाई की क्षमता में जागृति ही गुणात्मक परिमार्जन है। प्रत्येक मानव इकाई की क्षमता ही आचरण में अभिव्यक्त होती। अमानवीयता से था, मानवीयता से अति मानवीयता गुणात्मक परिवर्तन से दुआ है। मानवीयता सहज क्रिया की पूर्णता होती है। फलतः संस्कृति एवं सभ्यता में निर्विषमता एवं सतर्कता सहित सजगता पूर्ण होती है। अति मानवीयता पूर्ण आचरण में पूर्णता होती है, जिसको आचरण पूर्णता कह रहे हैं। फलतः है सजगता प्रमाण सिद्ध होती है। तो जब तक समुदाय चेतना में है सभ्यता संस्कृति, तब तक उसमें विषमताएं बनी रहेंगी। तो निर्विषमता के लिए सार्वभौमिकता को पहचानने की जरूरत है। सार्वभौमिकता ही मानवीयता के रूप में। फिर आगे लिखा है, थोड़ा सा ही और है बस। अपेक्षाकृत स्थितिवत्ता ही अनुमान का उदय है। तो उदय का मतलब बताया था उत्थान की ओर गति या परस्परता में प्रकटन, और उदय कोई दूसरे अर्थ में विकास कम विकास, जागृति कम जागृति और उसकी निरंतरता के रूप में पहचान। तो ये जो स्थितिवत्ता ही अनुमान का उदय है ना, स्थितिवत्ता का मतलब है जो क्रिया है उसके अंदर व्यापक वस्तु पारगामी रहती है, उसी को स्थितिवत्ता के रूप में पहचान। तो जैसे यदि मानव के संपूर्ण क्रियाकलाप में देखें तो मानव के संपूर्ण क्रियाकलाप में नियम न्याय धर्म सत्य के रूप में स्थिति बनता है। यही अध्ययन हेतु की गई उत्सुकता है। उदय विहीन स्थिति में अध्ययन एवं अध्ययन सिद्धि नहीं है। यदि मान लीजिए हम अध्ययन कर रहे हैं और उससे उदय नहीं है, यानी उत्थान की ओर गतिशीलता नहीं है, तो उसमें अध्ययन और अध्ययन सिद्धि नहीं है, ऐसा कह। फिर कहा कि उदय ही कौतूहल है। तो जो जिसको हम लोग कौतूहल का मतलब होता है अज्ञात को ज्ञात करना, अप्राप्त को प्राप्त करने हेतु जो संवेग है उसको कौतूहल कहते हैं। कौतूहल का मतलब अज्ञात को ज्ञात करने, अप्राप्त को प्राप्त करने हेतु प्राप्त जो संवेग है। तो उदय पूर्वक ही कौतूहल होता है, और कौतूहल का मतलब है जानना मानना पहचानना, उपयोगिता उपादेयता और अनिवार्यता पूर्वक अनुभव करने की क्रिया। तो कौतूहल से उत्कंठा है। उत्कंठा का मतलब गुणात्मक परिवर्तन के लिए मानव में तीव्र इच्छा है। तो एक क्रमशः है, अपेक्षाकृत स्थितिवत्ता ही अनुमान का उदय है, अनुमान का उदय पूर्वक उत्सुकता है, उत्सुकता पूर्वक कौतूहल है, कौतूहल पूर्वक उत्कंठा है। उत्कंठा का मतलब है जिसको अपन तीव्र इच्छा बोले, गुणात्मक परिवर्तन के लिए मानव में तीव्र इच्छा। तीव्र इच्छा का उत्कर्ष ही उत्कंठा है। यही
मानव जीवन में क्रियाकलापों का आधार है। फिर लिखा है कि मानव जीवन चार आयाम, 10 सोपानीय परिवार, सभा व्यवस्था एवं मूल्यों के निर्वाह के रूप में द्रष्टव्य है, जो संस्कृति सभ्यता विधि व्यवस्था का आद्यांत कार्यक्रम है। कौतूहल तब तक भावी है जब तक मानव जीवन और सह अस्तित्व रूपी अस्तित्व का पूर्ण विश्लेषण ना हो जाए, साथ ही प्रकृति के विकास एवं जीवन जागृति में रहस्य ना रह जाए। तो कौतूहल कब तक है ना, कौतूहल कब तक है? जब तक सभ्यता संस्कृति विधि व्यवस्था का आद्यांत कार्यक्रम स्पष्ट ना हो जाए और जब तक जीवन और सह अस्तित्व रूपी अस्तित्व का पूर्ण विश्लेषण ना हो जाए और साथ ही प्रकृति के विकास और जीवन के जागृति में कोई रहस्य ना रह जाए, तब तक कौतूहल बना रहता है। कौतूहल का मतलब अज्ञात को ज्ञात करने, अप्राप्त को प्राप्त करने हेतु जो संवेग है, उस रूप में कौतूहल है। यह चारों अवस्था प्रकृति की स्थिति, स्थितिवत्ता एवं रूप स्वभाव और धर्म के आधार पर अरहस्यता सिद्ध हुई है। अरहस्यता कैसे सिद्ध हुई? तो चारों अवस्था की जो प्रकृति की जो स्थिति है और प्रकृति में जो स्थितिवत्ता है, स्थितिवत्ता ही धर्म के रूप में रहती है ना, और उसके रूप गुण स्वभाव धर्म वत्ता के आधार पे अरहस्य सिद्ध होती है, क्योंकि इससे ज्यादा कुछ है नहीं अध्ययन करने। तो ये हुआ अरहस्यता। और दूसरा लिखा है 10 सोपानी व्यवस्था, 10 सोपानी परिवार सभा व्यवस्था मानव की स्थितिवत्ता है, यानी जिसमें मानव परंपरा की निरंतरता को हम पहचान सकते हैं स्थितिवत्ता के रूप में, वो 10 सोपानी परिवार सभा व्यवस्था है, जो मानव की स्थितिवत्ता के विश्लेषण से प्रत्येक मानव की जीवन और जीवन के कार्यक्रम 10 सोपानी परिवार सभा व्यवस्था मानव की स्थितिवत्ता के विश्लेषण से प्रत्येक मानव के जीवन और जीवन का के कार्यक्रम स्पष्ट हो चुका है, ऐसा लिखा। तो ये दोनों चीजों के आधार पर रहस्य से मुक्ति और पूरा विश्लेषण जो है, पूरा विश्लेषण जो है तब तक होता रहेगा जब तक ये स्पष्ट नहीं हो जाते, यानी रहस्य मुक्ति नहीं हो जाती और पूरा प्रकृति का विश्लेषण, तब तक कौतूहल बना रहेगा। ठीक है, नहीं है ये अध्याय में। इसमें कुछ और प्रश्न है? इसमें दो तीन ही चीजें मूल रूप से आई है कि अपूर्ण एक तृष्णा, एक शब्द इसमें आया है, विकल्पापेक्षा, विकल्पापेक्षा ये सारी। हाँ जी, अमानवीय क्रियाकलाप मानवीयतापूर्ण जीवन के कार्यक्रम में अवसानित होते हैं, मतलब उसमें विलय होते हैं। कहां पर आया है? और जहां पे ये लिखा है ना, तीव्र इच्छा का उत्कर्ष ही उत्कंठा है। हाँ, यही मनुष्य जीवन में क्रियाकलापों का आधार है। हाँ, उसके बाद जो सेंटेंस है अमानवीय। अच्छा, उसके बाद हमारे इसमें है नहीं, मैं एक बार किताब में से देख लेता। उत्कंठा है, यही मानवीय क्रिया कलापों का आधार है। अमानवीय क्रियाकलाप मानवीयतापूर्ण जीवन के कार्यक्रम में अवसानित, अवसान हो जाता है ना, यानी अमानवीयता का अवसान, अवसान का मतलब है समाप्त हो जाना।
ठीक है, जैसे ठीक कोई व्यक्ति मरता है ना तो उसको भी कहते हैं कि अब उनके जीवन का अवसान हो गया। ठीक है, ठीक अमानवीय अवसान शब्द से आप इसमें है नहीं, मैं इसमें जोड़ लूंगा, पुरानी वाली किताब में नहीं है, इसमें नई वाली में जुड़ा है। अमानवीय क्रियाकलाप मानवीयतापूर्ण जीवन के कार्यक्रम में अवसानित होते हैं, यानी अमानवीय क्रियाकलाप धीरे धीरे खत्म होते जाते समाप्त हो जाते ऐसा। ठीक है, और कुछ? बस सार्वभौमता ही विरोध का विजय है, विरोध की विजय ही सहस्तित्व है। अमानवीयता जीवन में सामान्य समाज व्यवस्था शिक्षा पर्यंत जो है विरोध का अभाव नहीं है। इकाई की क्षमता में जागृति पर्यंत विरोध का अभाव नहीं है। इकाई की क्षमता में जागृति की गुणात्मक परिमार्जन है ना, प्रत्येक इकाई की क्षमता ही आचरण में अभिव्यक्त होती है। अमानवीयता से मानवीयता के रूप में, मानवीयता से अति मानवीयता गुणात्मक परिवर्तन सिद्ध हुआ है। मानवीयता सहज क्रिया की पूर्णता होती है, फलतः संस्कृति सभ्यता में निर्विषमता और सतर्कता सहित सजगता पूर्ण होती है। अति मानवीयता पूर्ण आचरण में पूर्णता होती है, फलतः सजगता प्रमाण सिद्ध है। फिर है अपेक्षाकृत स्थितिवत्ता ही अनुमान का उदय है, यही अध्ययन हेतु उत्सुकता है। उदय विहीन स्थिति में अध्ययन एवं अध्ययन सिद्धि नहीं है। उदय ही कौतूहल है, अर्थात जानने मानने पहचानने उपयोगिता उपादेयता एवं अनिवार्यता पूर्वक अनुभव करने की क्रिया की उत्कंठा है। उत्कंठा जो है तीव्र इच्छा का उत्कर्ष ही उत्कंठा है, यही मानव जीवन में क्रियाकलाप का आधार है। मानव जीवन चार आयाम दस सोपानीय सभा व्यवस्था एवं मूल्यों के निर्वाह के रूप में दृष्टव्य है, जो संस्कृति सभ्यता विधि व्यवस्था का आद्यंत कार्यक्रम है। कौतूहल तब तक भावी है जब तक मानव जीवन और सह अस्तित्व रूपी अस्तित्व का पूर्ण विश्लेषण ना हो जाए। साथ ही प्रकृति के विकास एवं जीवन जागृति में रहस्य ना रह जाए। यह चारों अवस्था की प्रकृति की स्थिति स्थितिवत्ता उसके रूप गुण स्वभाव धर्मवत्ता के आधार पर अरहस्यता सिद्ध हुई है। और दस सोपानी परिवार सभा व्यवस्था मानव की स्थितिवत्ता के विश्लेषण से प्रत्येक मानव के जीवन एवं जीवन का कार्यक्रम स्पष्ट हो चुका है। ठीक है, ठीक है। सुनील जी, योगेश भाई, हाँ जी ठीक रहा ना? एक अध्याय संदीप भाई जी, तो कल का फिर यही तय रहा कि अपन कल जो है सुनील भाई। हाँ भैया, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है कल? नहीं नहीं भैया, मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं। मेरे को लगा लोगों को ब्रेक चाहिए हो तो दिया जाए, मेरे को तो कोई नहीं। आप दिन में चार घंटे बुलाओ अपनी तो गति बनती। सभी लोग बोल रहे हैं तो भी तो जी जी जी, हमें कोई वो नहीं है। मेरे को लगा सबको किसी को आवश्यकता हो तो एक दिन ब्रेक ले लो, आगे ना बढ़ के हम लोग जो है पिछले का एक बार अवलोकन कर लेंगे पूरा। ठीक है ना? ठीक है भैया, हरी हर। अच्छा, ठीक है भैया, सभी को हरी हर। हरी हर, हरी हर।